is baby feeding and carrying a big challenge? Buy 2-in-1 Hoopa feeding pillow and also use as infant carrier. तो ये है Hoopa feeding pillow. इसमें सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे कि ये completely flat नहीं है. आप चाहे तो इसको bottom से देख सकती हैं, या फिर आप यहाँ पे देखिए, इसमें head के लिए अलग से contouring है और नीचे में baby के bottom के लिए भी बहुत अलग से contouring है. साथ में मैंने आपको कहा था कि जो आपका फीडिंग पिलो है वो बेबी को एक स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट देना चाहिए. तो आप देख सकते हैं, देखिए इसकी जो बैक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ. जो आपका बेबी होता है वो यूजुअली कितने वेट का होता है? 2 से 4 किलो का. तो इसके ऊपर अभी हम 4 किलो वेट डाल के देखते हैं कि क्या होता है. तो ये है 4 kgs ऑफ वेट और इस डॉल को अभी हम बेबी मान लेते हैं. तो अगर आप इसके साथ भी आप इसको उठाएंगी तो आप देखेंगे कि इसका जो बैक है वो अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग है और ये बेंड नहीं होता. तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके बेबी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. आप फीडिंग पिलो इसलिए लेती हैं ताकि जो आपका फीडिंग का एक्सपीरियंस है, जो प्रोसेस है, वो कंफर्टेबल हो जाए. मतलब आपके हाथों को थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए. इससे आप देखेंगे कि आपको हर समय इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि मैं बेबी को कहां से पकड़ू, कैसे पकड़ू, क्योंकि जो इसका स्पेशल शेप है कॉन्टूरिंग की वजह से ये हर जगह बेबी को परफेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो आप सिर्फ यहां से भी बेबी को पकड़ सकती है, चाहे तो बस एक हाथ से ऐसे होल्ड कर सकती है, विच इज वेरी इजी. नेक्स्ट मैंने कहा था कि जो आपका पिलो है वो आपको रिक्लाइंड पोजिशन में हेल्प करना चाहिए. तो आप देख सकती हैं कि इसमें आप पूरा का पूरा पिलो ही बहुत इजीली रिक्लाइन कर सकती है. तो आपको अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट आप एक ही हाथ से रिक्लाइन पोजिशन में भी बेबी को होल्ड कर सकती है और आपका एक हैंड कंप्लीटली फ्री है. जैसे आप चाहे तो बेबी को प्यार कर सकती है, अपने ब्रेस्ट को एडजस्ट कर सकती है ताकि बेबी इजिली लार्ज करता है. साथ में इसमें बेबी को टिल्ट करना भी बहुत ईजी है अपने चेस्ट की तरफ, क्योंकि आप ये बैंड देख रहे हैं, ये बैंड भी आपके बेबी को एकदम पोजिशन में होल्ड करके रखता है और आप बहुत ईजिली इसको अपनी तरफ टिल्ट भी कर सकती है. तो ये हर तरीके से आपको हेल्प डेफिनेटली करेगा. अब क्योंकि Hoopa फीडिंग पिलो एक कैरियर भी है, इसका मतलब क्या है कि जब आपका फीडिंग का प्रोसेस खत्म हो जाए तो आपको अलग से बेबी को हटाना नहीं है, दोबारा से पिलो को अनअटैच नहीं करना बॉडी से. आप डायरेक्टली बस इसको पकड़ के आप उठ सकती हैं और आपको जहां भी जाना है आप जा सकती हैं. क्या आपका बच्चा दूध पीते ही उल्टी कर देता है या फिर आसानी से दूध नहीं पचाता? तो ले आइए डॉक्टर्स द्वारा बनाया Hoopa फीडिंग पिलो. WHO कहता है फीडिंग के समय और फीडिंग के बाद भी शिशु को हमेशा रिक्लाइन पोजीशन में रखना चाहिए. शिशु का सिर नीचे या सीधा रहता है तो दूध खाने की नली के रास्ते से मुंह में आ जाता है और बच्चा उल्टी करता है. Hoopa फीडिंग पिलो की खास डिजाइन द्वारा माँ अपनी सुविधा से बच्चे को रिक्लाइन कर सकती है, जिससे दूध पेट में नीचे की तरफ रहता है और आसानी से पचता है. बच्चा खुश और तंदुरुस्त. Hoopa पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान. दोनों हाथों में नवजात शिशु को उठाने से रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलता, इससे रीढ़ की हड्डी झुक या टूट भी सकती है. Hoopa फीडिंग पिलो स्पाइन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, बच्चा सुरक्षित रहता है. क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड या फिर माँ अपनी सुविधा के हिसाब से Hoopa फीडिंग पिलो को होल्ड कर सकती है. Hoopa फीडिंग पिलो बेहतरीन इन्फेंट कैरियर भी है. अंदर हो या बाहर, आपकी छोटी प्रिंसेस भी बच्चे को बड़ी आसानी से उठाकर घूम सकती है. नवजात बेबी के पहले 4 महीने के लिए अमेरिकन कंज्यूमर प्रोडक्ट नियमों द्वारा प्रमाणित. Hoopa पिलो ने किया कमाल, रिक्लाइन फीडिंग हो गई आसान.